चुका है पर वो अभी हबी हुआ है ठीक है चाहे वो डेक्लटिव हो चाहे वो एफामेटिव हो चाहे वो कुछ भी हो चाहे वो इंटेरोगेटिव क्यों ना हो बट उसमें हमारी वी थ्री लगेगी सो so, आप हमारे देख सकते हो एफामेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैज हमारा सिंगलर के लगता है हैव हमारा प्लूरल के लगता है और वी थ्री हम हमेशा ऐड करते हैं फॉर एग्जाम्पल द जेरी हैज़ जस्ट नाउ बाई द टॉय सो ये मत सोचना कि टॉय हमारा सब्जेक्ट है ठीक है तो हमारा सब्जेक्ट जेरी है और जेरी सिंगुलर तो इसलिए हमने हैज़ लगा दिया यहाँ पे जस्ट नाउ अभी अभी उसने टॉय लिए तो इसलिए हम यहाँ पे ई डी लगा रहे हैं इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस हैज़ हैव हमेशा लगेगा हमारा प्लस वी थ्री प्लस क्वेश्चन मार्क डिड यू हैव अ चॉकलेट वी कैन राइट और वी कैन राइट हैव यू हैव यू ईटन क्या तुमने खा ली ठीक है नाउ नेगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट सॉरी परफेक्ट टेंस डेट इज सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वी थ्री प्लस नॉट इसमें बस नॉट आउट कर दिया हमें सैम डिड नॉट ईट चॉकलेट सो नॉट आउट कर दिया और इसमें ईट लिगा लख लिगा हुआ है पर लेकिन ईट हमें ना लगा के ईटन लगाना पड़ेगा क्यों बिकॉज यहाँ पे नॉट है और नॉट में हमारी V3 लगती है ये हमेशा याद रखना ठीक है आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें तब तक के ठीक करें बाय 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 अ नाइस डे